مدحو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کرتا ہوں ویلکم آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ گھاس کیسے کاٹتے ہیں یہ جو ہمارے پاس برسین اور سرسوں ہیں اس کو کاٹیں گے ابھی اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ये साग वाली सरसों है साग भी इसी से बनता है इसको अगर इधर से तोड़ लें इसका नरम हिस्सा जितना भी है जितना भी नरम हिस्सा है वो तोड़ लें इस तरह से तोड़ के काफ़ी सारे पौधों को इकट्ठा करके इसका साग बनता है ये देखें बहुत नरम है ये और ये जो है सरसों का साग है और जो गोभी सरसों है वो ये है इसका थोड़ा सा इस रंग गहरा होता है ये आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल सरसों है और ये गोभी सरसों है दोनों का डिफरेंस है ये थोड़ी कड़वी होती है और ये कड़वी नहीं होती इसका मतलब साग सही बनता है अगर सही मायनों में साग बनाना तो गोभी सरसों का होना चाहिए इधर ही बरसीन में ही शलजम भी किए हुए हैं काश वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखें शलजम काश्त किए हैं इधर भी काफ़ी सारे हैं ये कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं ये देखें शलजम ये भी है अभी कुछ छोटे हैं इसके अंदर ही काश्त किए हुए हैं ये सारे जो है बरसीन के इनके पत्ते शलजमों का जो है काट लेते हैं इन्होंने खुद ही दोबारा से पत्ते निकाल लेने हैं जब ये कुछ मोटे हो जाएंगे तो इन्हें हम लोग खाने के लिए निकाल भी लेंगे और धो के फिर खा भी सकते हैं अभी भी खा सकते हैं अभी कुछ छोटे हैं लेकिन फसल वगैरह भी ऐसे बन सकता है नम चलिए नाल नाल पाई आवे पता भी चल जाएगा कि कितने काट लिए और कितने मजीद काटने पड़ेंगे अगर घास बड़ा हो तो हाथ इस तरह से सीधा रख के काट रहा हूँ मैं और अगर हाथ घास छोटा हो तो इस तरह से अगर वैसे काटूँ तो हाथ पे दरांती लग सकती है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसे हाथ उल्टा करके ऐसे डालता हूँ इस तरह से इसको पकड़ के काट देता हूँ तो मुश्किल काम तो नहीं है वैसे हमारा डेली रूटीन वर्क है जो हम करते हैं Thank you.
मेरा ख्याल है कि हमारी रिक्वायरमेंट अब पूरी हो जाएगी। इससे इकट्ठा करके देख लेते हैं। ये एक दो शलजमों का कत्ल भी मैंने कर दिया है, इसे थोड़ा तोड़ लेते हैं, वो तो आधा गया, ये खा लेंगे। ये शलजम जो है मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दो तीन बड़े बड़े, इनको धो के लेके आता हूँ। पट्ठे वड लिए हैं, अब शलजम खाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। नुमान भाई तो एक दो पीढ़ी बैठे हैं, हमारे अंदर अंदर में जोन सा आता है, खा लेते हैं। देखा आएगा मेरे अंदर। नुमान भाई टक जो आंदा उस टाइम पट के पहले शलजम खाते हैं, उन्होंने खत्म करके वेखो छिलके पे पहले उन्होंने खत्म कर दिया, उस तो बाद अगे जाते हैं। मेरे टक वेखो सारे शलजम ही शलजम है, असि अब इनको खत्म करना है, करके घर जाएंगे। सैचुरेशन के नलके पे हम लोग शलजम धो रहे हैं, जो खाद ही घास काट रहे थे। ये पीछे मेरा घर है, ये प्यारे प्यारे शलजम धुल चुके हैं, अब इन्हें खाएंगे। और अब चल रही है इधर शलजम पार्टी, देसी तरीका मुंह से छील के। छिल चुका है खा रहे हैं, नुमान में तो रगड़ भी गए हैं। घास पे कुदना लगाऊं मैं तो क्या, मशीन को पहले तेल लगा रहे थोड़ा, इसे लुब्रिकेट कर लें। इसकी ये करारियां हैं, इनको थोड़ा तेल दे लेते हैं। वैसे थोड़ी जगह भी बनी होती है, इधर ऐसे डालना होता है, थोड़ा सा इधर डालना होता है, थोड़ा सा इधर एक सुराख बना हुआ है, इधर डालना होता है। ये देसी डब्बा हमने बनाया हुआ है खुद ही। खा को टूकने के बाद अब इसको बंदरों में डालना है। अब इन पट्टों को हटाना है, ये
अब इनको मिक्स करना है। रेखा के हिसाब से पूरी डाल लेनी है। डालने के बाद इसको मिक्स करना है। पहले भी मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। मेरे दोस्त ने कहा था कि आप लोग ने पूरी डिटेल से नहीं बताया कि क्या करना है और ये क्या कर रहे हो, सारा पीछे म्यूजिक लगाया हुआ था। दोबारा से एक वीडियो बनी है डिटेल में, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।